उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में आपसी तकरार देखने को मिल रही है, जहां राजद ने अपना दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया है। उसको लेकर खासतौर पर कांग्रेस भी नाराज है और ऐलान कर दिया है कि दोनों सीटों पर चुनाव हम लोग भी लड़ेंगे। जब सवाल तेजस्वी यादव से किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उपचुनाव है, इससे कोई महागठबंधन पे दरार जैसी स्थिति नहीं होगी। पहले सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। दल जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है, तो कांग्रेस प्रभारी से बात हुई थी हम लोगों ने, कांग्रेस अलग से प्रत्याशी खड़े करने की बात करिए, करिए कि सहमति नहीं बन पाई। नहीं, अब अगर फ्रेंडली हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, उसमें बाय इलेक्शन है तो उसमें कोई महागठबंधन में कोई दरार थोड़ी ना, बाय इलेक्शन होते रहे, साथ में जाएंगे चुनाव प्रचार करेंगे। कहाँ क्या चीज महागठबंधन में क्या सब ठीक चल रहा है, क्यों क्या दिक्कत है? नहीं, हमारे पार्टी का फैसला था कि दो। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि उपचुनाव है, इससे महागठबंधन में दरार जैसी स्थिति नहीं आ सकती है। बता दें कि उपचुनाव को लेकर जहां राजद ने पहले ही दोनों सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है, जिसको लेकर खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जो है, चूँकि कांग्रेस पार्टी की एक सीट रही है कुशेश्वर स्थान, वो इस बार भी चाहती थी कि इस बार मेरा एक सीट जो थी वो इस बार भी हमारी रही, हमारे कैंडिडेट वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसको लेकर नाराजगी पूरी तरह से पूरे कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। लगातार प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ली जाए, भक्त चरण दास की बात कर ली जाए, या फिर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा की बात कर ली जाए, तमाम लोग यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दोनों सीटों पर हम लोग अपना उम्मीदवार उतारेंगे और जीतेंगे भी। गठबंधन धर्म का पालन राजद ने नहीं किया है, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी बात लगातार पहले भी हुई है, जो भक्त संजास जो है बिहार प्रभारी है उनसे, तमाम बातों के बावजूद ही डिसीजन लिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष ने इसका ऐलान किया, और तब भी उन्होंने यह कहा कि सभी लोगों से बातचीत करने के बाद जो है निर्णय लिया गया कि राजद ही दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हमारी कोई बातचीत इस विषय पे नहीं हुई है, यानी कि साफ तौर पे गठबंधन जो है वो इस उपचुनाव में नहीं दिख रहा है। जो महागठबंधन की बात की जा रही थी, अब इस चुनाव में दोनों दल यानी कि कांग्रेस और RJD आमने सामने दोनों सीट पर जो है, जहां एक तरफ राजद दोनों उम्मीदवार उतार चुकी है, अब कांग्रेस भी आज ऐलान करेगी दोनों सीटों पर, एक तरफ कुशेश्वर स्थान तो उसका फिक्स ही है, लेकिन आज भर का समय है, अगर राजद ने एक सीट विड्रॉ नहीं किया तो दोनों सीटों पर कांग्रेस भी उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उपचुनाव है, कोई उम्मीदवार उतारता है तो ठीक है, इससे दरार गठबंधन पे नहीं आ सकता है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी बातचीत हुई थी भक्त संजाज बिहार प्रभारी है उनसे, तब जाके फैसला लिया गया था। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, नमस्कार।